हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू साइंटिफिक प्राइसेस एंड ट्रेडिंग स्कूल। एंड मेरा नाम राजेश चौधरी है। मैंने आपको बैंक निफ्टी का बताया था लास्ट 4 डेज पहले एनालिसिस करके। मीन्स आप अगर ये देखोगे तो 1, 2, 3, 4 डे इस दिन बैंक निफ्टी मैंने आपको बताया था कि बैंक निफ्टी क्लोजिंग इसके ऊपर आ चुकी है डेली कैंडल की। अब बैंक निफ्टी जो है लाइफ टाइम हाई देगा, जो कि आज अराउंड मीन्स अगर बैंक निफ्टी का लाइफ टाइम हाई देखोगे तो आप 53,357 है, और आज का हाई क्या है 53, मीन्स 4 पॉइंट से रह गया, बट फ्यूचर्स में आ गया। बिकॉज ऑफ आज जो प्राइस के अंदर टॉप से प्रॉफिट बुकिंग आई है, वो वीकली का एक सप्लाई जोन था। यहाँ से अगर आप ध्यान से देखोगे तो वहां से प्राइस जो प्राइस का एक अनफेयर हाई बना है एक वीक वीक से, वो वीक से आपका डेली का बेसिकली वो सप्लाई जोन था, इसलिए प्राइस आपका वहां से प्रॉफिट बुकिंग आई है। अभी भी आपका ट्रेंड नेगेटिव नहीं हुआ है। अब आगे क्या ये भी हम बात करेंगे। दूसरी चीज, मैंने आपको एक चीज और बोली थी कि मैंने बोला रिलायंस सॉरी आपका आईसीआईसी बैंक एंड एचडीएफसी बैंक का एनालिसिस करके मैंने आपको ये बताया था कि आईसीआईसी बैंक जो है लाइफ टाइम हाई जाएगा। 1,300 रुपये का मेरा पहला टारगेट है, जो कि आज का हाई मैं आपको दिखा देता हूँ। ये पूरा एनालिसिस किया था। अब डेली का उस दिन के बाद देखिए, उस दिन के बाद एक रेड कैंडल के बाद उसके बाद कभी भी एक रेड कैंडल भी नहीं बनी, और उसका हाई भी आज डॉट टू डॉट 1,300 ही है। मीन्स वो टारगेट भी हो गया। एचडीएफसी मैंने बोला कि लाइफ टाइम हाई जाएगा। एचडीएफसी बैंक वहां से जिस दिन मैंने बोला उस दिन से एचडीएफसी बैंक कंटिन्यूसली मूविंग है, और एचडीएफसी बैंक आप देखिए आज 1,720 के आसपास पहुंच गया। आराम आराम से ये भी जा रहा हैवी वेट एकदम से 90 डिग्री से नहीं जाता, रुक रुक के आराम आराम से जाता है। तो बैंक निफ्टी का अगर अभी हम देख, जो मैंने बोला कि एचडीएफसी बोला, निफ्टी बोला, आपको बैंक निफ्टी बोला, आईसीआईसी बैंक बोला, सब ऑलमोस्ट टारगेट इसके सबके आए गए। चंबल फर्टिलाइजर मैंने आप लोगों को इंट्राडे में पब्लिक वाला जो टेलीग्राम है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, ये मैंने बताया था। और आज देखिए डेली की इसकी कैंडल कितनी बड़ी है, ऑलमोस्ट अगर इसका लो देखोगे तो इसका लो है आपका 473। मीन्स आपका प्राइस 9% के आसपास टूटा है, जो कि इसका नीचे का टारगेट जो बैठता है इसका पहला ये वाला 440 के आसपास। मीन्स आपका कल को मार्केट ऊपर जाता है सेल ऑन राइज, तो फिर आपका अच्छा खासा प्राइस मूवमेंट देखने को मिल सकता है ऊपर जाने के बाद नीचे, और यहीं से अगर कंटिन्यू करेगा तो हम प्राइस देख करके कर लेंगे। जिन्होंने किया हुआ है ऑलरेडी वो ट्रेल कर सकते हैं। ओके, तो बैंक निफ्टी के लिए कल के बारे में हम जानते हैं। ठीक है, क्या है बैंक निफ्टी अब नियर बाई लाइफ टाइम हाई के पास है, और आज प्रॉफिट बुकिंग आ गई बट स्टिल नेगेटिव नहीं हुआ। 4 आवर के अकॉर्डिंग देखोगे तो 4 आवर का आपको ये जो जोन है आपका जहां से प्राइस गैप अप खुल गया, आज एक हाई लगा है, जब तक इसके नीचे क्लोज नहीं होगा तब तक के लिए प्राइस नेगेटिव नहीं होगा, तब तक उस रेंज के अंदर आपका कंसोलिडेट कर सकता है। मीन्स आपको मैं 25 मिनट के कुछ जोन मार्क करके देता हूँ, उससे आपको थोड़ा क्लियरिटी आएगी। तो 25 मिनट के जोन देखेंगे तो बैंक निफ्टी तब तक नेगेटिव नहीं है जब तक इस लेवल के नीचे क्लोज नहीं, 52,130। मीन्स आपके ये एरियाज है 52,130, और आपके एक रेंज ही होगी। तो इस रेंज के अंदर बैंक निफ्टी आपका ट्रेड होगा नॉर्मली आने वाले दिनों। 52,600 से लेकर के आपका देखा जाए तो ये लाइफ टाइम वाला हाई वाला एरिया, इसके बीच में ट्रेड हो। इसके नीचे अगर ब्रेक करता है तो ब्रेक करने के बाद रिटेस्ट में, मतलब क्लोजिंग के बेसिस पे रिटेस्ट में इस टारगेट के लिए किया जा सकता है। अदरवाइज जो ट्रेंड चल रहा है वही चलेगा। कुछ भी अपडेशन होगा, कुछ भी होगा, मैं पब्लिक वाले टेलीग्राम ग्रुप में अपडेट कर दूंगा। बाकी निफ्टी का अगर देखेंगे तो निफ्टी ने भी जो मैंने एक रेंज मार्क करके उसके ऊपर आज गया, और जाने के बाद प्रॉफिट बुकिंग आई, और एंड ऑफ द डे उसके नीचे क्लोज होगा, तो निफ्टी आपका साइडवेज है। जब तक निफ्टी 25,300 के नीचे क्लोज नहीं करता किसी भी दिन 25 मिनट की कोई भी कैंडल, तब तक निफ्टी नेगेटिव नहीं होगा। बेसिकली अगर डेली के अकॉर्डिंग देखेंगे तो निफ्टी का कोई भी नेगेटिव अभी हुआ नहीं, बट टॉप पे जिस तरीके का प्राइस एक्शन हो रहा है, टॉप पे जिस तरीके का प्राइस एक्शन हो रहा है, किसी भी दिन एक बड़ी कैंडल अगर रेड बन गई उस दिन आपका शॉर्ट टर्म का ट्रेंड नेगेटिव हो जाएगा, और नीचे की साइड पहला लेवल ये होगा, उसके बाद तो जहां से उठा ये वाला लेवल, ये और अब बड़ी पिक्चर होगी। बट अभी तो कुछ भी नहीं कंसोलिडेट कर रहा है, आजकल में वो कंसोलिडेट करेगा, जैसा भी कुछ बनेगा बड़ा ट्रेड तो मैं आपको बता दूंगा। थैंक यू सो मच, जल्दी मिलते हैं।